ये है कश्मीर, महाराष्ट्र का कश्मीर। नॉर्मली हम लोग तो महाबलेश्वर आते ही रहते हैं, लेकिन क्लाउड से दूर और नेचर के बीच में अनटच ऐसी जो जगह होती है, उस जगह में रहने का मजा कुछ अलग ही होता है। तो हम लोग अभी आ गए हैं तापोड़ा। तो यहाँ पर कैसे आते हैं, आते समय आपको कौन सी सावधानी बरतनी है, यहाँ का डिस्टेंस क्या है, हम लोग कौन सी जगह पर रह रहे हैं, उसका टूर, उसी के साथ साथ यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ भी होती रहती है, वो कौन सी होती है और उसके चार्जेस क्या होते हैं, ऐसी पूरी के पूरी डिटेल्स मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को चलियो रिवाइंड करते हैं। अभी पहुंच गए हैं तापोड़ा और सुबह हम लोग 7 बजे निकले थे और हाईवे से होते हुए हम लोग हाईवे से राइट टर्न मार के 22 से होते हुए फिर हम लोग आ गए हैं तापोड़ा। बीच रास्ते में हम लोग को मैप्रो गार्डन लगा जहाँ पर हम लोग गए थे, वहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद हम लोग आते जब महाबलेश्वर से हम लोग तापोड़ा के लाइन पर लगे थे, हम लोग को एक खूबसूरत सा वाटरफॉल देखने के लिए मिल गया था। आप मानसून में आ रहे होंगे तो आपको ऐसे बहुत छोटे छोटे बढ़िया वाटरफॉल देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद हम लोग को एक हॉर्स पॉइंट लगा, एक टर्न जहाँ पर हम लोग को कोयना रिवर एक हॉर्स शेप में दिखती है, वो भी देखना बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद हम लोग अभी तापोड़ा में आए हैं। आते टाइम आपको ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड कर देना है। और हम लोग जिस इस प्रॉपर्टी में रुके हैं इसका नाम है शिव सृष्टि एग्रो टूरिज्म, जो कि बहुत बढ़िया रिसॉर्ट है। आप मेरे पीछे रिसॉर्ट देख रहे होंगे और यहाँ से हम लोगों को डैम जो कोयना रिवर है उसका भी व्यू मिलता है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे रिसर्च किया कि हम लोग कहाँ पर स्टे करें। उसके बाद हम लोगों ने जब यहाँ पे फ़ोन किया तो ये जो ओनर थे ये बहुत ही फ्रेंडली थे, उन लोगों ने ही हम लोग को बताया कि ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर ये चीज़ें होती है वो सब कुछ। तो हम लोगों को ये जो एग्रो टूरिज़म है ये भी हम लोग को बेस्ट लगा। इसके बाद हम लोग अभी यहाँ पर रुक रहे हैं, तो दोपहर के 12 बज गए हैं। हम लोगों को अभी आगे का जो शेड्यूल है वो सब कुछ जो क्या क्या होता है वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। और एक एग्रो टूरिज़म मतलब यहाँ पर रहने का एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर इन लोगों का खुद का ही बोटिंग है, इसकी वजह से आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी निकालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ही आप बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग, बोटिंग और उसके बाद रिलैक्सिंग ये सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो। और ये मतलब पूरा पैकेज है, आपका एक दिन कैसा चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बॉन फायर, बाबिक्यू, ये सब कुछ इस चीज़ ये जो पैकेज है इसमें सब कुछ इंक्लूड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो मैं आपको अभी रिसॉर्ट टूर देने वाली हूँ। तो ये रहा रिसॉर्ट, जैसे ही रिसॉर्ट के अंदर देते थे एक साइड पर हम लोग को लॉन है और दूसरे साइड पर रूम्स बने हुए हैं। सभी रूम जो रिवर व्यू है उसके वजह से और माउंटेन व्यू है। और ये देखिए सो गाइस, ये डैम है और ये रहा रिसॉर्ट। यहाँ पर बहुत बड़ा लॉन है और सामने की तरफ है, लॉन के सामने ही रूम्स है और ये साइड पर इनका रेस्टोरेंट है और किड्स प्ले एरिया भी है, बैठने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये लॉन में हम लोगों को ये झूला मिल रहा है जिसमें हम लोग बैठ के चिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को शाम को यहाँ पर ही बारबेक्यू और जो बॉनफायर कैंप फायर होता है वो यहीं पे होता है। यहाँ पर टेबल्स लगा के आपको यहीं पर बैठ के चाय कॉफ़ी या कुछ पीना होगा, तो वो भी है। अभी तो क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, धूप नहीं है, धूप है लेकिन इतनी भी नहीं है, बहुत खूबसूरत बाकी से लग रही है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखा देती हूँ किड्स प्ले एरिया। ये है यहाँ का किड्स प्ले एरिया और जो कि रेस्टोरेंट के बगल में बना हुआ है। छोटी सी जगह में इन लोगों ने छोटे बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें रखी हुई है।
तो मैं अभी आपको रेस्टोरेंट यहाँ का दिखा देती हूँ जहाँ पर हम लोगों को महाराष्ट्रियन फूड मिलता है। और ये रहा ये रेस्टोरेंट, यहाँ पर बहुत बड़ा सिटिंग एरिया है और यहाँ पर इंडोर गेम्स भी है। जैसे कि मैं आप बता देती हूँ कि यहाँ पर है कैरम और खेलने के लिए बैडमिंटन, क्रिकेट, वो सब कुछ चीज़ें रखी हुई। इसके साथ साथ लूडो, चेस, ऐसे बहुत सारे इंडोर गेम्स यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर हर चीज़ का एक टाइमिंग है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आपको जो पूरा पैकेज होता है उसकी जो लिस्ट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है यहाँ का चेक इन पॉइंट, जिसमें आप जैसे ही आते हो, लंच होता है 12:30 से 2:30 बजे तक। उसके बाद जंगल ट्रेकिंग, कोयना रिवर साइड सीन, कायाकिंग, वाटर स्पोर्ट, वो सब कुछ रहते हैं। वो 4 से 6:30 बजे के बीच में होता है। उसके बाद हाई टी, रात को डिनर, कैंप फायर, मॉर्निंग टी और दूसरे दिन का मॉर्निंग टी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और चेकआउट 10 बजे। ऐसा सब कुछ यहाँ का शेड्यूल है। तो आपको अगर चाहिए होगा तो बारबेक्यू भी वो लोग लगा के देते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे से पूरा दिन आपको पूरा सेट करके दिया हुआ है, जिसके वजह से आपको और कहीं कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं अभी आपको रूम टूर करवा देती हूँ। तो ये है रूम्स, और रूम्स पर हम लोगों को यहाँ पर जो सिटिंग दी गई है वहाँ पर बाज रखा हुआ है इंडियन, उसके बाद चेयर्स भी रखे हुए हैं, जिसके वजह से आप यहाँ पर बैठे बैठे व्यू को एंजॉय कर सकते हो। उसके साथ साथ अभी हम लोग अभी रूम के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर 2 बेड लगे हुए हैं। मतलब आप बड़ी फैमिली या फिर कपल भी आ रहे हो तो भी आपको यही रूम दी जाएगी। तो यहाँ पर इन लोगों ने टॉवेल, सोप, ये सब कुछ रखा हुआ है, फैन है, एसी है, टीवी है, चेयर्स है, टेबल है, वार्डरोब दिया गया है, जो कि आप कुछ भी सामान होगा तो वो आप वहाँ पर रख सकते हो। मिरर है और बहुत 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 बड़ी रूम है, और रूम से आप व्यू तो देख ही सकते हो, बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया है। मतलब यहाँ पर सब कुछ है जो एक रूम में होना चाहिए। इसके बाद ये है यहाँ का वॉशरूम, वॉशरूम भी बहुत बड़ा और क्लीन है। तो ओवरऑल ये जो रूम है, ये रूम बहुत ही बढ़िया, बड़ी और व्यू वाली है। मतलब आप बेड पर बैठे बैठे व्यू को आराम से एंजॉय कर सकते हो, बाहर का जो नज़ारा है, नेचर ब्यूटी है, वो देख सकते हो। ये जगह शाम के तौर पर बहुत ही अच्छी लग रही है, क्योंकि ये जो माहौल हो जाता है ना शाम को जब सनराइज होता है, तो बहुत मतलब एक अलग सा ही माहौल हो जाता है। आप देखो कितना अच्छा लग रहा है, और वो जो डैम है वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है, एक अलग सुकून है इस जगह में। तो हम लोग अभी अपना बारबेक्यू एंजॉय कर रहे हैं, और अभी हम लोग यहाँ पर बारबेक्यू कर रहे हैं। स्मेल तो इतनी बढ़िया आ रही है कि कभी ये ख़त्म कभी ऐसा हो रहा है, और ये हवा के लिए, क्योंकि ये आग पकड़ ले। तो यहाँ पे हम लोग अभी तो नॉनवेज खा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर वेज भी ऑर्डर कर सकते हो बारबेक्यू, जिससे जो वेजिटेरियन है उनके लिए यहाँ पर पनीर या फिर फ्लावर, ये सब कुछ जो मशरूम विशरूम होता है वो भी यहाँ पर सर्व कर देते हैं। हम लोग अभी डिनर कर रहे हैं, और यहाँ का डिनर का टाइम है 8:30 से 10 बजे तक, और हम लोग अभी नॉनवेज में चिकन खा रहे हैं। ये देखिए, ये है रस्सा, कोल्हापुरी रस्सा, सूखा, और रोटी है, पापड़ दिया गया है, और सैलेड था। हम लोगों ने खाना टेस्ट किया है, और खाना जो है इतना यमी है,
7:30 बजे हम लोग को बारबेक्यू दिया था चिकन। उसके बाद यहाँ का जो वेदर है इतना चिल है कि हम लोग फिर से बहुत भूख लग गए, और ये जो ये खाना भी है वो भी बहुत टेस्टी है। और इसके बाद अभी कैंप फायर है, तो चलिए मिलते हैं। हमारा खाना करके हो गया है और खाना वॉज अमेजिंग। कोंकणी स्टाइल फूड था, चिकन आप बोल सकते हो। यहाँ पर इन लोगों के पास स्पीकर्स भी है, ब्लूटूथ स्पीकर, जिससे आपको अगर कुछ आप फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, फैमिलीज, बड़ी फैमिलीज के साथ आ रहे हो, तो यहाँ पर आप पार्टी वार्टी शार्टी भी कर सकते हो। और रात को, सुबह इतना नहीं लेकिन रात को अभी ठंड बहुत पड़ गई है, इसके लिए अभी ये कैंप फायर, और बस खुद को गर्म करके हम लोग अभी सोने जाने वाले हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे उठना है, सनराइज देखना है, पिकॉक देखना है, जंगल ट्रेक के लिए जाना है, बोटिंग करनी है, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है। तो मिलते हैं सुबह। हमारा जो नेक्स्ट डे था वो बहुत ही बढ़िया था। सुबह का व्यू बहुत ही बढ़िया था, रात को बारिश हुई थी उसकी वजह से, क्लाउडी वेदर के वजह से हम लोगों को सनराइज़ देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन जो माहौल था वो बहुत ही बढ़िया था। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद डायरेक्ट जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। सो गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए, और मिनी ट्रैक करके ये माउंटेन के नीचे हम लोग अभी जा रहे हैं रिवर के पास, वहाँ पर बोट खड़ी है, तो चलिए चलते हैं। बस थोड़े ही मिनट्स लगते हैं नीचे जाने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी माउंटेन के नीचे उतर रहे हैं और मेरे साथ है चिन्मय। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा स्लीपरी भी है क्योंकि बारिश हो गई थी, और मुझे लगता है कि कैमरा बंद कर देना चाहिए नीचे जाने के बाद ही शूट करूं, क्योंकि गिर गई तो चलिए मिलते हैं नीचे जाके। सो हम लोग अभी 15 से 20 मिनट ट्रैक करके अभी नीचे आ गए हैं, और यहाँ पर इन लोगों की खुद की बोट है जो यहाँ पर लॉक लगा के रखी हुई होती है, बस आपको जाना होता है, और ये लोग आप लोगों को कायाकिंग या बोटिंग कुछ भी होगा वो प्रोवाइड फटाक से कर देते हैं, तो इसको कुछ भी इशू नहीं है, आपको कहीं बहुत दूर जाना नहीं है, ये यहाँ का प्लस पॉइंट है। और यहाँ का जो व्यू है इतना बढ़िया है कि यकीन मानिए कि आप कैमरा में जो देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, इससे कई गुना यहाँ की जो खूबसूरती है वो तो शब्द में बयां भी नहीं हो सकती। सो हम लोग अभी कायाकिंग स्टार्ट कर दी है और हम लोग चल पड़े हैं कायाकिंग करने के लिए, बहुत ही मज़ा आ रहा है, और व्यू पानी के अंदर वाव बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, और ये देखो वाव बहुत 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 बढ़िया लग रहा है, इतनी शांत प्लेस और नेचर के बीच में और लेक के बीच में कायाकिंग करना मतलब ऑसम। यहाँ पर हम लोगों को माउंटेन पे छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी दिख रहे हैं, और एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप
बारिश के मौसम में यहाँ पर आते हो तो बोटिंग क्लोज रहती है, जैसे कि जून जुलाई अगस्त सितंबर ये टाइम पे बारिश होती रहती है, तो ये टाइम पे बोटिंग क्लोज रहती है। अगर बारिश नहीं होगी तो आप कायाकिंग कर सकते हो अगर खुला मौसम होगा तो, लेकिन बोटिंग क्लोज रहती है, तो इतना तो आप ध्यान में रख के रखो कि ये टाइम पे आ रहे हो तो आपको सिर्फ नेचर ब्यूटी और वाटरफॉल्स और वो सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर होने की वजह से यहाँ पर ऐसे कुछ ज़्यादा, मतलब आप सोच सकते हो पूरा का पूरा जंगल ही है यहाँ पर जो गांव के लोग रहते हैं, बस उतना ही नहीं तो कमर्शियल यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके वजह से ये जगह इतनी खूबसूरत जैसे कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सच में हम लोग किसी जंगल में ही है, क्योंकि छोटे छोटे घर भी यहाँ पर पेड़ों की वजह से दिखते नहीं है, इतने यहाँ पर हरियाली है। तो हम लोग अभी बोटिंग कर रहे थे और अभी बोटिंग के और दो जो टूरिस्ट पॉइंट है उसके जो डिटेल्स होते हैं और हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है पैकेज, वो सब कुछ हमें अभी डीके सर बताने वाले हैं। तो डीके सर हम लोग को बताए कि क्या क्या पैकेजेस होते हैं और क्या क्या घूमना रहता है। जो दत्त मंदिर का जो पैकेज है वो 3 घंटे का टूर रहता है, उसमें 3 पॉइंट आएगा, दत्त त्रिवेणी संगम, आयरलैंड पॉइंट और दत्त मंदिर। दत्त मंदिर देखने लायक है, वो 200 मीटर के गुफे में एक शिव जी का मंदिर है, एकदम देखने लायक है वो मंदिर। 3 घंटे का टूर रहता है, उसका 350 रुपये बोट का चार्जेस है। और दूसरा 3500 3500 उसका पैकेजेस है। और दूसरा वासोटा फोर्ट है, उसमें पूरा एक दिन का पैकेज टूर है, 3 घंटा बोट को लगता है और 3 घंटा ट्रेकिंग के लिए, आने जाने के लिए 6 घंटा लगता है। और हम लोग के रिसोर्ट से अगर उसको पैकेज ले रहे होंगे तो हम लोगों को टिफिन भी मिलता है, पार्सल मिलता है करके टिफिन लेके फिर जाने का, उसके अंदर गाइड रहता है, फॉरेस्ट परमिशन, वो सब कुछ हम लोग को इसमें इंक्लूड रहता है। मतलब हम लोग हमारे रिसोर्ट से अगर जा रहे होंगे तो हम लोगों को हमारे यहाँ से ही सब कुछ पैकेज विकेज सब कुछ और जो टिफिन विफिन है सब कुछ वहाँ से मिलेगा। मतलब हम लोगों को अलग से कुछ करने की या फिर परमिशन लेने की या फिर गाइड ढूंढने की ये सब कुछ कोई भी ज़रूरत नहीं है, पहले से ही ये लोग अरेंज करके देते हैं, तो ये बेस्ट थिंग है। सो मैं अभी आपको इसके प्राइस के बारे में बता देती हूँ। 1500 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ का जो प्राइस है, और आप 4 जन एक रूम में आराम से रह सकते हो। उसी के साथ साथ इसमें इंक्लूड है आपको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, हाई टी, वेज, नॉन वेज जैसे दोनों भी ऑप्शन रहते हैं। उसी के साथ साथ शाम को आपको बारबेक्यू भी इसमें रहता है और कायाकिंग भी इसमें इंक्लूड है। ओवरऑल ये जो स्टे है जो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। यहाँ पर रहना मतलब सच में जन्नत में रहने जैसा ही है। उसी के साथ साथ यहाँ के जो ओनर है वो आप दीपक सर, वो आपको ठीक से बराबर बात बता देंगे कि आपको कहाँ पर घूमना चाहिए और यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर इनकी खुद की फार्मिंग भी होती है जिसमें स्ट्रॉबेरी, मलबेरी ये सब कुछ होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो यहाँ पर कैंप भी लगता है अगर किसी को चाहिए होगा तो 1200 रुपीज़ उसके चार्जेस है। सेम इसमें कायाकिंग और फुल मील इसमें इंक्लूड है। और ओवरऑल हम लोग का यहाँ पर का जो स्टे था वो माइंड ब्लोइंग था। मैं यहाँ पर फिर से ज़रूर आना चाहूँगा और आप भी अगर नेक्स्ट टाइम आ रहे होगे तो शिव सृष्टि एग्रो रिसोर्ट में जरूर आइएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।